मैं बस ये इतना कहूँगा कि बहुत कई, मतलब मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और ये जो परिवर्तन इधर जो यहाँ जो हुआ है वो देखकर मैं इतना खुश हूँ कि ये बच्चों के लिए जो जिस तरह ये माहौल बनाया है, जो पूरा एटमॉस्फेयर बनाया है, जो कलर्स हैं, यू नो पूरा, पहले जब मैं आया था तो काफ़ी यहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी, मगर ये परिवर्तन देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड वो पता चल रहा है कि बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है, उनके माँ बाप के चेहरों पर जो मुस्कान है, जो डॉक्टर साहब के चेहरे पर नुकसान है, तो मैं जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये सब मिलकर जो किया उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ख्याल यही है कि जो बच्चे होते हैं, सो जितने भी बच्चों को कभी भी कोई कैंसर हो तो वो क्योरेबल है, तो वो कभी उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए। और लड़का लड़की, कुछ मैंने सुनने में आया कि कभी कभी लड़कियों का नहीं करते, तो लड़कों लड़की को इक्वली आना चाहिए और अपने आप को, क्योंकि मेरे ख्याल दुनिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो ये टाटा हॉस्पिटल है, जहाँ हर चीज़ मुफ्त की जाती है, दिल से की जाती है, प्यार से की जाती है। तो बस मेरी यही दरख्वास्त है कि सब यहाँ आएँ और बेहिचक आए यहाँ, और यहाँ यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो लोग हैं, जो भी सहायता कर रहे हैं इस हॉस्पिटल की, दिल से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं। और बस ये हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसा हॉस्पिटल हमारे हिंदुस्तान में है जो इस तरह प्यार से ये सब करता है, और लड़के और लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है और फ्री है। तो बच्चे जो भी हों, बच्चा हो बच्ची हो, सबको यहाँ लेकर आएँ और अपने आप को ट्रीट करें। आप कुछ बच्चों से इंटरेक्ट कर लेते हैं अभी, उस इंटरेक्शन के बारे में? बच्चों से बस ये, मैं तो गाना गा रहा था और वो गाना गा रहे थे, उन्होंने नेशनल एंथम गाया। पुरानी यादें ताज़ा हुई लखन? नहीं नहीं नहीं, पुरानी यादें तो नहीं, लखन तो बस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो मैं समझा कि शायद कोई नया गाना गाएंगे, मगर उन्होंने वही गाना गाया। तो अच्छी बात है कि वो कहीं ना कहीं है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बच्चों को खुशी देते हैं, सबको खुशी देते हैं, तो वो उसमें से एक गाना। तो मैं उस गानों से, गाने से ज़्यादा मुझे जो खुशी हुई कि उन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम जो गाया, तो वो जिस तरह उन्होंने गाया और मेरे से बेटर गाया, मेरे से ज़्यादा उनको अच्छी तरह गाया, तो एंड में मैंने भी ज्वाइन कर लिया। तो अच्छा, हाँ हाँ, पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे। बस यही है कि हेल्पिंग हैंड्स के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मेरे ख्याल से जो काम हेल्पिंग हैंड्स कर रहे हैं वो यू नो यू हैव टू गिव यू नो, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड्स को ऊपर वाले की देन है। तो ऊपर वाले की जब देन होती है ना, जो आदमी दिल से करता है वो ऊपर वाला कहीं आशीर्वाद देता है, और ये खुश नसीब होते हैं जो ये सब काम कर सकते हैं। ये सबके नसीब में नहीं है ये एक अच्छा काम करना, और जो अच्छा काम करेंगे। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, तो एक 100 साल का एक इंसान है जो बता रहा था कि जितना आप देंगे आपको उतना मिलेगा, अगर आप नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप, द मोर यू गिव द मोर यू विल गेट, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यू नो मोर फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द यंगस्टर्स, दे शुड अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम पीपल हु गिव, बिकॉज द मोर दे गिव द मोर दे विल गेट। सो फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस इंटरव्यू, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एनीथिंग इन लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट हैप्पीनेस, इफ़ यू वॉन्ट सक्सेस, इफ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, इफ यू वॉन्ट दैट आर कंट्री शुड बिकम द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, you should try and your best to give as much as you can, the way everybody is giving here, like helping hands, what helping hands is doing to this hospital and to this beautiful place which has been built by all the architects. I met the architect also who's done this absolutely free of cost, and which is wonderful, and that's what I said. आप तो आते ही रहते हैं, सोनम भी कभी हमें दिखेंगी? सोनम भी आई थी, जैसे मैं जैसे मैं साथ में दोनों आ जाए तो आप बुलाइए, मैं जरूर आऊँगा, बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। ओके मैम, इसके अलावा सोनम मैम और हर्षवर्धन दोनों अच्छे कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जैसे कि मैंने कहा कि जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, खुशी जो होता है अपने कामयाबी से ज़्यादा आपको अपने बच्चों की खुशी से मिलती है, और जब आप इस तरह बच्चों के, दूसरे बच्चों के लिए करेंगे तो आपके बच्चे भी उतने ही खुश रहेंगे। तो बस मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप दूसरों के बच्चों के लिए करेंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, वो भी कामयाब होंगे, ये आपको ऊपर वाले से आशीर्वाद मिलेगा। फाइनली का टोटल धमाकी स्पेशल स्क्रीनिंग इन बच्चों के लिए रखी जाएगी? अरे हाँ यार, ये तो करना ही चाहिए, टोटल धमाल की स्क्रीनिंग इस बच्चों के लिए, बिकॉज ये टोटल धमाल जो है ये तो आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि वो पूरे जो फिल्म जो है पूरी मनोरंजक फिल्म है और बच्चों के लिए फिल्म है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका तो प्रीमियर करना ही चाहिए, कोई ऐसा स्क्रीनिंग करना ही चाहिए बच्चों के लिए। तो आप प्लीज़ उनसे, मैं तो रेडी हूँ और मैं अपने प्रोड्यूसर से मैं कर सकता हूँ और मैं ज़रूर करूँगा। और ये बहुत अच्छा आइडिया दिया कि बच्चों के लिए, जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनके लिए मैं टोटल धमाल की स्क्रीनिंग ज़रूर रखूँगा। थैंक यू, थैंक यू।